हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24 वर्ल्ड। दोस्तों, अब कौन सी खबर ने लगा दी है आग? जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरीके की बातें करते रहते हैं शहनाज गिल पर, लेकिन अब जो बात आई है सामने वो आपको बता दें, रिपोर्टर्स भी ना क्या क्या नहीं कर देते। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यूज में जो फैंस को काफी गुस्सा भी दिला देते हैं। क्या कभी कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से सक्सेस हो सकता है? जी नहीं, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क भी होता है जो उसको उस मुकाम तक पहुंचाता है, उस सक्सेस तक पहुंचाता है। शहनाज बिग बॉस 13 के बाद और बिग बॉस 13 से पहले भी उन्होंने कितनी मेहनत की है सभी को पता है। पंजाब में शहनाज गिल को एक वक्त ऐसा था कि काम नहीं मिल रहा था। शहनाज ने उस दौरान को भी झेला है, उस दौर को भी झेला है और अब उनके पास काम की लाइन है और वो अब इन चीज़ों को भी अच्छे से हैंडल कर रही हैं और काम में बिजी हैं। ऐसे में अक्सर ही इंटरव्यूज़ होते हैं तो शहनाज गिल से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब आपको बता दें, मधुरिमा तुली का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जब उनसे रिपोर्टर्स ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो फैंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर रिपोर्टर पूछना क्या जा रहे हैं। रिपोर्टर कहते हैं कि शहनाज गिल को जो भी मिला है वो बाई लक मिला है, हार्डवर्क है उसके पीछे, या ऐसे ही उन्हें मिल गया। तो भैया, ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे जाहिर सी बात है काम आपका बहुत मैटर करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, और लक भी इम्पॉर्टेंट होता ही है। ऐसे में मधुरिमा ने भी यही जवाब दिया। मधुरिमा कहती हैं कि शहनाज गिल का जाहिर सी बात है उसने बहुत हार्ड वर्क किया है जिसकी बदौलत वो यहाँ पे है। साथ ही साथ उन्होंने बताया क्योंकि वो भी कनेक्ट में है, काफ़ी बार शहनाज गिल से उनकी बात भी हो चुकी है और वो अक्सर ही बात जब मिलते हैं इंट्रैक्शन उनका होता रहता है, नॉर्मल फ्रेंड जोन नहीं है। इस तरीके से मधुरिमा शहनाज गिल के बारे में बात करती हुई नजर आई। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें।